जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गूगल, कौन नहीं जानता इस नाम को? जो कोई नहीं कर सकता वो गूगल बाबा कर दिखाते हैं। जी हाँ, गूगल ने एक और ऐसा काम कर दिखाया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को मात दे दी है। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की है जो स्पीड के मामले में आसानी से मॉडर्न कंप्यूटर को भी पछाड़ देगी। गूगल ने इसे क्वांटम सुप्रीमेसी का नाम दिया है। गूगल ने कहा है कि दुनिया का मौजूदा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जिस काम को करने में 10,000 साल लेता है, उसे करने में ये नई चिप सिर्फ 200 सेकंड लेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई चिप को बड़ी उपलब्धि बताया है। गूगल के पॉपुलर साइंटिफिक जर्नल नेचर में एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है। इसमें कंपनी ने बड़ा दावा किया है और इससे कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया बदल सकती है। 2 दशक से इस कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था और आखिरकार अब गूगल को इसमें सफलता मिल गई है। क्वांटम सुप्रीमेसी से ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को पूरी तरह से बदला जा सकता है। गूगल ने कहा है कि ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए कंपनी ने कड़ी मेहनत की है और लगभग 2 दशक के बाद ये सफलता मिली है। साइंटिस्ट इस पर 1980 से काम कर रहे थे। क्वांटम सुप्रीमेसी भले ही अभी कोई काम में ना आए, लेकिन आने वाले समय में ये कंप्यूटर की दुनिया के तरीकों को बदल सकता है। इस तरह की कंप्यूटिंग का तरीका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से काफी अलग है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्वांटम सुप्रीमेसी में ये भी बदल दिया गया है। चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है। क्वांटम सुप्रीमेसी एक तरह की क्षमता है जो ऐसी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकती है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के बस का नहीं। कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, इसे क्वांटम सुप्रीमेसी के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स देखने में डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे नहीं होते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में होते हैं जिन्हें सर्वर रूम में रखा जाता है। आम कंप्यूटर्स किसी इंफॉर्मेशन को 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं, इसे बिट्स कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये सेकंड में कई हजार ट्रिलियन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और आम कंप्यूटर की क्षमता से कहीं ज्यादा है। जहां तक क्वांटम कंप्यूटर का सवाल है तो ये क्वांटम बिट्स पर काम करते हैं जिन्हें आप क्यूबिट्स भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा क्या होगा। कंप्यूटर की ये तेज गति कई मामलों में बहुत मददगार साबित हो सकती है। विशेष तौर पर नई दवाइयों की खोज में इस कंप्यूटर का विशेष लाभ उठाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित टेक्नोलॉजी को भी इस कंप्यूटर की मदद से नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इसकी सहायता से बेहतर सोलर पैनल भी बनाए जा सकेंगे। वित्तीय लेनदेन में भी इसकी तेजी का खास फायदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्वांटम सुप्रीमेसी सुपर कंप्यूटर को मात दे सकता है या नहीं? क्या भविष्य में क्वांटम सुप्रीमेसी दुनिया की रफ्तार में इजाफा कर सकता है या नहीं?